1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन हुआ? ऑप्शन ए लुई दसम, ऑप्शन बी लुई प्रथम, ऑप्शन सी लुई सोलहवे या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी लुई सोलहवे। सन 1774 में बूब राजवंश का लुई सोलहवे फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी? ऑप्शन ए 17 जुलाई 1795, ऑप्शन बी 5 मई 1789, ऑप्शन सी 1 जुलाई 1780, ऑप्शन डी 1 जुलाई 1785। सही आंसर है ऑप्शन बी 5 मई 1789। फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप राजा को राजगद्दी से हटा दिया गया और एक गणतंत्र की स्थापना हुई। इसमें बहुत सारा खूनी संघर्ष हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए। नेपोलियन तानाशाही स्थापित करके वहाँ का सम्राट बना और इस क्रांति के अनेकों मूल्यों का पश्चिमी यूरोप तथा उसके बाहर प्रसार हुआ। इस क्रांति ने आधुनिक इतिहास की दिशा बदल दी। फ्रांसीसी क्रांति की किस शहर में शुरुआत हुई थी? ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी मॉन्ट सेंट मिशेल या ऑप्शन डी फ्रेंच रिवेरा। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी पेरिस। फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस के इतिहास की एक राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल एवं आमूल परिवर्तन की अवधि थी जो 1789 से लेकर 1799 तक चली। बाद में नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांसीसी साम्राज्य के विस्तार द्वारा कुछ अंश तक इस क्रांति को आगे बढ़ाया। आतंक का राज्य किसने स्थापित किया? ऑप्शन ए लुई सोलवा, ऑप्शन बी नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं या ऑप्शन डी रोबेस्पियर। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी रोबेस्पियर। जब जैकोबियों ने पेरिस की भीड़ और कम्यून की सहायता से कन्वेक्शन पर आक्रमण कर सत्ता पर अधिकार किया और जिरोदिस्तों को गिरफ्तार कर आतंक के राज्य यानी रेन ऑफ टेरर की स्थापना की। आतंक के राज्य के स्थापना के साथ ही फ्रांस एक बार पुनः अव्यवस्था का शिकार हुआ। रोबेस्पियर के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी। फ्रांसीसी कॉलोनियों में दास्ता कब समाप्त हो गई? ऑप्शन ए 1848, ऑप्शन बी 1870, ऑप्शन सी 1748 या ऑप्शन डी 1830। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए 1848। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 ईस्वी में किया गया। फ्रांस में द्वितीय स्टेट के अमीर वर्ग को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए मध्य वर्ग, ऑप्शन बी पादरी वर्ग, ऑप्शन सी कुलीन वर्ग या ऑप्शन डी राजशाही। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी कुलीन वर्ग। फ्रांस का समाज तीन प्रकार के स्टेटों में बंटा हुआ था। प्रथम स्टेट में पादरी, दूसरे स्टेट में कुलीन वर्ग, तीसरे स्टेट में बड़े व्यवसायी, वकील, किसान, कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, नौकर, व्यापारी, अदालती कर्मचारी इत्यादि थे। टाउन हॉल के सामने कितने लोग इकट्ठे हुए थे जिन्होंने जनसेना के गठन करने का निर्णय लिया था? ऑप्शन ए 6000, ऑप्शन बी 7000, ऑप्शन सी 5000 या ऑप्शन डी 40000। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी 7000। लगभग 7000 आदमी एवं औरतें
टाउन हॉल के सामने इकट्ठे हुए थे, जिन्होंने जनसेना के गठन करने का निर्णय लिया था। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? ऑप्शन ए जर्मनी का सम्राट, ऑप्शन बी इंग्लैंड का सम्राट, ऑप्शन सी रूस का सम्राट या ऑप्शन डी फ्रांस का सम्राट। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी फ्रांस का सम्राट। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस की क्रांति में सेनापति 11 नवंबर 1799 से 18 मई 1804 तक, प्रथम काउंसिल के रूप में शासक और 18 मई 1804 से 6 अप्रैल 1814 तक नेपोलियन के नाम से सम्राट रहा और वह पुनः 20 मार्च से 22 जून 1815 में सम्राट बना। ताइद का अर्थ होता है ऑप्शन ए उत्पाद कर, ऑप्शन बी सामान्य कर, ऑप्शन सी धार्मिक कर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी धार्मिक कर। चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर ताइट कहलाता था और यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति किसके शासनकाल में हुई? ऑप्शन ए लुई 18वां, ऑप्शन बी लुई 15वां, ऑप्शन सी लुई 14वां, ऑप्शन डी लुई 16वां। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी लुई 16वां। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का राजा लुई 16वां था। वह बोरबन राजवंश से संबंधित था और उसने 1774 में गद्दी संभाली थी।